हम पढ़ रहे थे हमारी कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर दूत धारा। हमने अब तक तीन भाग पढ़ चुके हैं, तीन वीडियो डाल चुके हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे तो आप वो वीडियो देखें, साथ ही अपनी बुक का भी अध्ययन करें। तो जो अब हमारा टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत या प्रतीक कैसे होते हैं। क्या है जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत या प्रतीक, मतलब जो भी विद्युत परिपथ बनाते हैं जिसमें प्रतिरोध कुंजी बल्ब एमीटर वोल्ट मीटर धारा निरोधक या अन्य उपकरण भी जुड़े होते हैं, तो वो हमारा हो गया विद्युत परिपथ। उस परिपथ में जो उपयोगी उपकरण है उनको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, प्रचलित संकेत है उन्हें जो हमारी साइंस की लैंग्वेज में किस प्रतीक से दर्शाएंगे कि ये चीज़ बैटरी है। बैटरी अलग होती है लेकिन उसको साइंस में एक छोटे से सिक्के द्वारा दर्शाते। तो अब देखिए पहला जो है हमारा है विद्युत सेल। क्या है पहला विद्युत सेल, किस प्रकार व्यक्त करते विद्युत सेल, यानी कह सकते हैं बैटरी, जिससे हमें क्या मिलती है वोल्टता मिलती है, क्या मिलती है वोल्टता, यानी वोल्टता मिलती है ये बैटरी। तो बैटरी को इस प्रकार दर्शाया जाता है, ये प्लस सिरा ये नेगेटिव सिरा, ये दो सिरे होते हैं पॉजिटिव सिरा ये नेगेटिव ये सिरा। ये मान लीजिए 5 वोल्ट की है, सामान्यतः 5 या 6 वोल्ट की ही बैटरी सामान्यतः हमारे फिजिक्स में यानी काम आती है उस कक्षाओं में यही। तो ये 5 वोल्ट की मान सकते हैं इसे, तो ये छोटी बैटरी होगी कम वोल्टता देगी। इससे अधिक वोल्टता की जो बैटरी बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, ये प्लस नेगेटिव एकांतर क्रम में होंगे, प्लस वाला बड़ा होगा नेगेटिव वाला छोटा होगा, प्लस बड़ा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या हो गई इससे दुगनी 10 वोल्ट की होगी। अगर ये 5 की तो 10 की एकांतर क्रम में बड़े छोटे दोनों के साइज समान होंगे। ये नेगेटिव सिरा के थोड़ भाग ये एनोड भाग हुआ है इसका। इसी प्रकार से बड़ी बैटरी बनाए तो इसमें जितने अधिक, अगर ये एक है 10 वोल्ट की है एक निश्चित मान पर, अगर हम इसमें ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इसकी वोल्टता बढ़ाई जा सकती है। क्या है परिवर्तित वोल्टता वाली बैटरी है, क्या है ऐसा चिन्ह लगाने पर हम इसके क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टता में चेंज कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा प्रतीक है कि ये बैटरी है, बड़ी बैटरी में तीर का निशान है होकर सीधा होगा। तो ये हो गई हमारी अधिक वोल्टता की बैटरी है कम वोल्टेज की, जितने अधिक ये हमारे सीरी होंगे बीच में प्लस माइनस उतनी अधिक क्या हो गई हमारी वोल्टेज का। ये क्या है एक सेल है, बैटरी और सेल में अलग है। बैटरी सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से ही क्या बनते हैं बैटरी। बैटरी क्या है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या है एक सेल है, एक ही सेल है क्योंकि इसमें एक ही क्या है पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है। ये क्या है बैटरी है, ये वास्तव में बैटरी है जिसमें कितने सेल हैं, 2 सेल वाली बैटरी। तभी तो ये श्रेणी क्रम आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या पॉजिटिव जुड़ा है और फिर नेगेटिव यानी एकांतर क्रम में। तो ये एक प्रकार की क्या है बैटरी, इससे अधिक जिसमें 3 होंगे वो 3 सेल की बैटरी हो गई। लेकिन ये क्या है सेल, इससे क्या कहेंगे सेल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे बैटरी कहेंगे। ये उस वोल्ट तक इसमें 5 है और जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये 5 वोल्ट की है, इसमें 2 सेल है तो डबल हो जाएगा यानी 10 वोल्टेज की। अगर ये 6 वोल्टेज का होता तो इसमें 2 सेल है तो ये 12 वोल्टेज, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो बैटरी की वोल्टेज क्या हो जाती है जुड़ जाती है।
इस प्रकार तो ये सेल हो गया, जितनी वोल्टेज का हमें चाहिए उतना उसमें सेल जोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं, ये सेल की बात होगी। अब है कुंजी, क्या है दो नंबर हमारा कुंजी। कुंजी जो हमारे क्या काम आती है, धारा रोकने के और धारा का संचालन करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है, जिसे स्विच कहते हैं। स्विच हमारे पंखा चलाने के लिए, जिस पंखा चलाते हैं ऑन ऑफ करते हैं वह स्विच होता है, उसे क्या कहते हैं साइंस में कुंजी कहते हैं, कुंजी या स्विच। स्विच और कुंजी को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार। ये कुंजी, ये कैसी बंद, कैसी अवस्था में बंद कुंजी, कैसी है बंद कुंजी, क्योंकि ये डॉट लगा दिया, मतलब ये तार है इसमें ये कुंजी है, ऐसी ऐसा गैप, बीच में क्या गैप है, बहुत ही सूक्ष्म गैप है। इस गैप में एक बिंदु लगा दी जाए तो क्या होगा, ये जुड़ गया परस्पर दोनों तार, तो ये कुंजी इसमें बिल्कुल भी कम गैप है, और जैसे ही हमने इस डॉट को भर दिया वैसे ये दोनों तार जुड़ जाएंगे, दोनों सिरे परस्पर जुड़ जाएंगे और धारा यहाँ से इस सिरे की ओर चली जाएगी, अर्थात ये क्या बंद है, डॉट क्या बंद है। अगर इसी प्रकार हम खुली कुंजी दर्शाएं, खुली खुली कुंजी, तो खुली कुंजी में हम क्या नहीं दर्शाएंगे, डॉट नहीं दर्शाएंगे, खुली कुंजी है और इसमें क्या नहीं, धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं, क्या होगा, नहीं होगा इसमें धारा प्रवाह होगा, ये बात है। और ये तो कुंजी है, एक अन्य तरीके से भी ये भी क्या है, क्या है कुंजी, कुंजी है, इसको भी कुंजी कह सकते हैं। अब ये क्या है, खुली कुंजी है, अब धारा प्रवाहित नहीं होगी। मान लीजिए दोस्त तार है, ये एक लंबा ऐसा और एक दूसरा तार, ये तार का एक सिरा ये दूसरा सिरा, अगर ये ऐसा था तभी धारा जाएगी, अगर इस सिरे को ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगी, धारा ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, कुंजी है, इस प्रकार भी कुंजी को दर्शाते हैं। कैसी कुंजी, खुली कुंजी, और बंद कुंजी ऐसी हो गई, ये क्या हो जाएगा, ऐसी ये बंद कुंजी हो गई। तो कुंजी का उपयोग होता है वो क्या होता है, त्रिपथ में धारा को प्रवाह करने के लिए कुंजी को बंद करते हैं तो धारा प्रवाह होना शुरू हो जाती है, खुलने पर धारा प्रवाह बंद हो जाता है, और कुंजी को हमेशा ही नेगेटिव सिरे के साथ क्या होते हैं, जोड़ते हैं, सामान्यतः नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ते हैं। अगर बैटरी ये है, बैटरी है तो इस साइड हम क्या लगाएंगे, कुंजी। सामान्यतः हम नेगेटिव सिरे के साथ क्या लगाएंगे, कुंजी का उपयोग करेंगे। तो कुंजी का कार्य तो आपको पता चल गया कि कुंजी त्रिपथ में धारा का प्रवाह की दिशा को, धारा के प्रवाह के होने तथा न होने की को क्या बताएगी, व्यक्त करेगी कि धारा प्रवाह होगा या नहीं होगा, ये बात। सिंपल यही बात है। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, ये जैसे ही ओम का नियम आएगा तब प्रतिरोध आएगा और हमें पता चलेगा, लेकिन हम प्रतिरोध के बारे में सिंबल यहाँ ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रचलित संकेत हम इसमें कर रहे हैं, तो प्रतिरोध भी एक विद्युत परिपथ में उपयोगी संकेत है। जबकि जैसे ही हम अगले टॉपिक होगा वो ओम का नियम होगा हमारा, उसमें प्रतिरोध के बारे में आएगा, मात्र पता चलेगा, होती क्या चीज़ है ये सब पता चलेगा, प्रभाव देखेंगे। लेकिन इस में हम क्या देख रहे हैं, प्रचलित संकेत, तो प्रतिरोध का भी हमें देखना होगा साथ ही। तीन नंबर हो गया प्रतिरोध, धारा को रोकने वाला कारक प्रतिरोध है। प्रतिरोध को परिपथ में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो अंत से, अंत में नीचे से खत्म होगा, तो ये क्या है, प्रतिरोध है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, मान लीजिए क्या है 5 ओम,
तो ये एक फिक्स वैल्यू हो गई इसकी प्रतिरोध की। अगर इस प्रतिरोध पर ऐसा चिन्ह लगा जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध परिवर्तित प्रतिरोध होगा, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जितना ये लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, यानी बाधा होगी। ये धारा प्रवाह ऐसी, अगर ये तार ऐसा होता धारा प्रवाह जल्दी होता, अब क्या है ऊपर जाएगा नीचे जाएगी धारा ऐसे 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 ऐसे, तो क्या एक प्रकार से रुकावट है। जितनी ज़्यादा रुकावट प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा, क्योंकि वह क्या है रोकने वाला का। अगर इस पर ऐसा सिंबल लगा दिया जाए तो ये क्या होगा हमारा परवर्ती प्रतिरोध, यानी बदलने वाला प्रतिरोध। अब ये बात आ गई, अब है धारा निरंतर। धारा चार नंबर, धारा निरंतर, धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण धारा निरंतर, इसे किस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस पर ये हो गया, जैसे परिवर्तित प्रतिरोध होता है ना वैसे ही होता है। अब प्रतिरोध का मान धारा निरंतर, धारा नियंत्रित करेगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा होगी, प्रतिरोध उच्च होगा धारा कम होगी। तो प्रतिरोध भी धारा को चेंज करता है, ये आगे देखेंगे। तो ये प्रतिरोध परिवर्तित प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध भी बदल रहा है तो प्रतिरोध के साथ धारा भी चेंज होगी। तो ये क्या है धारा नियंत्रक का भी सिंबल है। और साथ ही जो जनरली हम धारा नियंत्रक का सिंबल यूज करते हैं वो ये है, ये धारा नियंत्रक का सिंबल है। अब क्योंकि इस तार को हम यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक कड़ी का दो तीन कड़ी है इसमें, एक चार कड़ी मान सकते हैं। अगर इस पर हो तो प्रतिरोध यहाँ तक इतना ही काम आएगा, इस पर ये यहाँ पर हो तो ये इतना ही प्रतिरोध काम आएगा, यहाँ होगा तो इतना तार काम आएगा। तो ये क्या है एक प्रकार से प्रतिरोध को चेंज कर रहा है, क्या है चेंज कर रहा है। दोबारा देख सकते हैं, अब देखिए ये धारा नियंत्रक वाली इस कुंजी पर लगाया यहाँ पर, तो ये धारा यहाँ से आएगी यहाँ 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 इस तार से होती हुई सीधी इधर चली जाएगी, या इधर से आएगी यहाँ से चले, इस तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्या होगा, तो धारा होगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, अर्थात प्रतिरोध बढ़ गया। अब मान लीजिए ये यहाँ पर भी नया करें, यहाँ पर करना चाहते हैं धारा का मान चेंज करना चाहते हैं हम, कम करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर रख दिया, अब फिर यहाँ पर रख दिया, तो ऐसे क्या होगी धारा कम होती रहेगी। इस प्रकार हम धारा को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात आती है अगला वोल्ट मीटर, परिपथ विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का यूज होता है विभवांतर मापन में दो बिंदुओं के बीच। तो वोल्ट मीटर का उपयोग क्या करते हैं, उन दोनों के बीच समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं वोल्ट मीटर, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर का क्या प्रतीक होता है, वी, दो सिरे होते हैं इसके, दो तार कह सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव सिरे से जुड़ेगा, और इसमें रीडिंग आ जाएगी, एक सुई लगी होती है इसमें ऐसे जो शून्य पर होती है, अगर इधर है तो इधर चली जाएगी और इधर है तो इधर चली जाएगी, दिशा भी दर्शाएगी विभवांतर नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर का चिन्ह वी। अब है एमीटर, एमीटर का उपयोग एमीटर परिपथ में धारा मापन के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं, और एमीटर का उपयोग किस क्रम में करते हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में इसलिए किया जाता है कि संपूर्ण धारा एमीटर से गुजरे, क्या हो संपूर्ण धारा एमीटर से गुजरे। जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम इसलिए लगाया जाता है कि वोल्ट मीटर बिल्कुल भी धारा न ले, वोल्ट मीटर धारा न ले इसलिए समांतर क्रम में लगाते हैं, और एमीटर संपूर्ण धारा ले इसलिए इसे क्या लगाते हैं, श्रेणी क्रम में।
तो ये ए लिख दिया एमीटर, ये दो सिरे होते हैं, नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं और इस प्रकार क्या हो जाता है, धारा का मापन हो जाता है। अब सात नंबर बात है बल्ब, विद्युत बल्ब होता है जो हमारा, क्या है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब इसका भी एक सिंबल होता है, इससे हमें पता चलता है कि परिपथ में धारा बह रही है नहीं है, क्योंकि ये जब जलेगा तब धारा प्रवाह हो रही है परिपथ में, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है अन्यथा कुछ त्रुटि। तो इसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ये जो फिल्म, ये क्या हो गया बल्ब हमारा, इसको बल्ब से व्यक्त करेंगे। ये हमारे प्रचलित संकेत हो गए, सेल बैटरी का देखा, ये सेल हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी ये बैटरी हो गई हमारी पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अतिरिक्त प्रतिरोध, ये हमारा प्रतिरोध हो गया, कुंजी ये हमारी कुंजी हो गई बंद कुंजी खुली कुंजी, और ये भी हमारी कुंजी हो गई, ये कुंजी हो गई। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध प्रतिवर्तित प्रतिरोध ये हो गया हमारा, और ये धारा नियंत्रक भी हो गया, धारा नियंत्रक एक धारा नियंत्रक अलग है वो, ये धारा नियंत्रक हो गया। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हो गया हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव पॉजिटिव एमीटर हो गया, और जो रहा है बल्ब वो है ही बल्ब। तो इस भाग में हमने पढ़ा जो विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण है उनके प्रचलित संकेत पढ़ लिए, जब हम किसी विद्युत परिपथ की अध्ययन करेंगे तब ये सब चीज़ हमें काम आएगी। वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ता है शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन छोटे टाइप के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।